चौहान ने बताया कि ये सभी 48 लोग नेगेटिव थे, लेकिन आसपास या परिवार में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जाने से इन्हें क्वारंटाइन में भेज दिया गया था। आज जब ये वापस टाटपट्टी बाखल पहुंचे तो यहाँ के लोगों ने तालियां बजाकर इन सबका स्वागत किया। वहीं तालियों की गड़गड़ाहट के बीच टाटपट्टी बाखल के 48 नागरिक आज राव स्थित क्वारंटाइन सेंटर से वापस अपने घर खुशी खुशी लौटे। नन्हे कदमों की खुशी आप भी देख सकते हैं। वहीं अपर कलेक्टर श्री विशाल चौहान ने इन्हें पौधे भेंट कर भविष्य में स्वस्थ और खुशहाल रहने की शुभकामनाएं दी है। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बताइए आप। बहुत बढ़िया महसूस कर रहे हैं और हमारे घर में रहेंगे। वो तो दूर 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 हमारे घर में रहेंगे, अंदर रहेंगे 14 दिन तक के, और ठंडे गर्म पानी से नहाएंगे, तो किसी बात की परेशानी नहीं है। सब व्यवस्थित ठीक है। हम जितने भी गए बहुत बढ़िया हमारा इंतजाम था, वो बहुत बढ़िया प्रशासन ने हमारा इंतजाम रखा है। नाम बता दो आपका। शेर अकबान नाम है। ओके। कोरोना मुक्त होगा तो पुनः आपसे अनुरोध है कि कोई भी बाहर नहीं निकलेगा। आप अपने घर पे, अपने घर के छत पे खड़े होकर उनका स्वागत कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, लेकिन घर से बाहर निकल के कोई सड़क पे नहीं आएगा। सर कितने मरीज जो थे पॉजिटिव पाए गए थे वो देखिए, आज हमने टाटपट्टी बाखल के 48 लोगों को जो है रिलीज़ करा है। दे ऑल आर नेगेटिव, दे ऑल आर हेल्दी, और काफ़ी अच्छे से उनका ध्यान रखा गया है। मेरे पीछे जो मेरी पूरी टीम खड़ी है, इन लोगों ने शुरू से लेकर आज तक उनका पूरा ध्यान रखा, और उसी का नतीजा है कि आज सभी जो है बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी स्वस्थ होकर आज अपने घरों में पहुँचे हैं। हमारे लोगों ने, स्थानीय लोगों ने मिलकर यहाँ पर उनके लिए पौधों का इंतजाम करा कि अपने अपने घर में एक पौधा लगाएं और उसको बड़ा करें, और वो जीवन में उनको याद दिलाएगा कि एक ऐसा कठिन समय आया था जिसको उन लोगों ने, हम लोगों के साथ में मिलकर, प्रशासन की पूरी टीम के साथ में मिलकर निकाला है।